नमस्ते दोस्तों, क्या हालचाल? आज मैं आपको लेके चलूंगी एक अनोखे सफर पे, जहां हम साथ में एक्सप्लोर करेंगे फैशन की दुनिया के नए राज। सोचो, क्यों मैं इतने दिन से गायब थी? क्योंकि दोस्तों, जिंदगी ने दिया है कुछ ऐसा ट्विस्ट और टर्न। मेरा चैनल अभी भी मोनेटाइज नहीं हुआ है, इसीलिए मुझे ढूंढनी पड़ी है एक साइड हसल, जिससे थोड़े टाइम मैनेजमेंट का झोल हो गया है। पर क्या करें, दिस इज लाइफ माय फ्रेंड। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने ऑनलाइन बिजनेस कोर्स स्टार्ट किया था, पर मैंने देखा आपको प्रॉपर कोर्स के सिवा सिंपल असिस्टेंस की भी नीड पड़ती है, तो इसलिए मैंने डाउट क्लास भी स्टार्ट की है। तो आप चाहें तो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इससे रिलेटेड डिटेल्स हम कभी नई वीडियो में शेयर करेंगे। फैशन डिजाइनिंग मेरा पैशन है और 3D डिजाइंस बनाकर भी मेरी प्यास नहीं बुझती, जब तक कि मैं अपने हाथों से उस मास्टरपीस को ना बना लूं। पहले मेरे प्रोजेक्ट स्लो चलते थे, पर अब मैंने अडॉप्ट किया है 1 वीडियो 1 गारमेंट का मंत्र। तो ये रहा एक स्नीक पीक मेरे लेटेस्ट क्रिएशन का, जिसे मैं इस वीडियो के बाद डिटेल में बनाऊंगी। अगर आपको मेरे डिजाइन की झलक देखनी है तो कमेंट में लिखो शो योर डिजाइन और मैं उस पर एक स्पेशल वीडियो बना दूंगी उसकी पूरी कहानी के साथ। आज हम क्या सीखेंगे वो तो है थोड़ा सस्पेंस में, पर टेंशन मत लो, ये छोटी सी इंट्रो के बाद मैं खुद ही बता दूंगी। हेलो दोस्तों, अटायरेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लो की एक नई सीरीज शुरू करने। अरे रुको, ये तो चल पड़ी मेरी फर्स्ट गारमेंट क्लास की रिकॉर्डिंग, पर कैसे? तो आपको क्यूरियोसिटी है कि मैंने 710 पे कौन से मैजिकल टूल्स यूज किए? चलो फिर से वो हिस्सा प्ले करते हैं। बट आप तो पैटर्न को कट एंड जॉइन करने की बात कर रहे हैं, वो तो यहाँ नहीं हुआ है, मैं भी पीछे हूँ। ओके, तो आपको डार्ट मैनिपुलेशन के बारे में जानना है, तो चलिए डार्ट मैनिपुलेशन की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले 3D विंडो में क्रॉस चेक करते हुए 2D में एक डार्ट शेप बनाइए। मैं आर्म होल डार्ट क्रिएट करने वाली हूँ इंटरनल पॉलीगन की मदद से। फिर एडिट टूल ऑन करो और उन लाइंस को सिलेक्ट करो और फिर राइट क्लिक करके उन्हें कट कर लो। ये पीस वेस्ट है तो इसको डिलीट कर दो। अब शोल्डर लाइन के बीच में एक रैंडम इंटरनल लाइन बनाकर डार्ट पॉइंट से ज्वाइन करो और आपको डार्ट जहां चाहिए वहां लाइन बना लो डार्ट पॉइंट से कनेक्ट होते हुए। अब आता है मैजिक डार्ट एंड प्लीट फुलनेस टूल। इससे हम शोल्डर एरिया में एक गैदरिंग इफेक्ट क्रिएट करेंगे। लाइन को सिलेक्ट करो, जिस साइड शिफ्ट करना है उसे सिलेक्ट करो और अब मूव करते हुए एक प्रीव्यू देखो। डार्ट को जितना क्लोज कर सकते हो उतना कर लो और फिर फाइनलाइज करो लेफ्ट क्लिक से। जो एरिया डार्ट बनकर आर्म होल से कट किया था वो अब शोल्डर पर आ गया है, जिसे हम गैदर लुक देंगे। लेकिन पहले आर्म होल को स्मूथ आउट करते हैं स्मूथ कर्व टूल की मदद से। तो एंड पॉइंट सिलेक्ट करो और फिर पुरानी लाइन को और अब अपने हिसाब से कर्व एडजस्ट करो। कोई प्रॉब्लम हो तो कर्व टूल या पॉइंट कर्व टूल का भी आप बाद में यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, ये रही हमारी फिनिश्ड गारमेंट। उम्मीद है मिस मुस्कान आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, वैसे नाम तो बड़ा ही प्यारा है। अगर आपको ये गारमेंट क्लास देखनी है तो आई बटन डिस्क्रिप्शन या एंड स्क्रीन से आप इसे एक्सेस कर सकते हो, मैंने हर जगह टैग कर दिया है आपके लिए। अगर आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक करो, मेरे डिजाइंस देखने हैं तो कमेंट में टाइप करो और अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। वाह, मैंने तो राइम ही कर दिया। मिलते हैं जल्द ही
एक नई क्लास में। तब तक के लिए मैं हूँ यहीं अपनी नेक्स्ट गारमेंट बनाने में व्यस्त। बाय बाय।